हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुजाता। आज मैं बनाऊंगी फिश कालिया। ये बंगाली स्टाइल एकदम फिश कालिया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे रोहू फिश जो है यूज किया। इसको बंगाली में बोलते हैं रुई माछ। तो इसका मैंने 4 पीस ले लिया है। ये देखिए ऐसे साइज का पीस है। और चलिए तो देख लेती हूँ इसके साथ मैंने और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिया है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज और एक ऐसा 1.5 से 2 इंच साइज का अदरक जो है वो मैंने पेस्ट कर लिया है, सिर्फ प्याज और अदरक। यहाँ मैंने 2 छोटे साइज का टमाटर जो है पेस्ट कर लिया है। यहाँ मैंने 1 चम्मच दही, 1 बड़े चम्मच का दही और काजू जो है 10 ग्राम पेस्ट किया है। यहाँ है नमक, चीनी, नमक जो है स्वाद अनुसार, चीनी जो है ये भी स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 स्पून लिया है। किशमिश जो है अप्रॉक्सीमेट 5 ग्राम है। यहाँ मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि कलर जो है अच्छा आए। तो ये है अप्रॉक्सीमेट 1 स्पून। यहाँ मैंने जीरा पाउडर ले लिया है जो है 1/2 स्पून। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दालचीनी, 5 लौंग और 3 छोटी इलायची ले लिया है। और यहाँ पे 2 तेज पत्ता ले लिया है। यहाँ है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जस्ट 1/2 स्पून। घी जो है 1 स्पून है। यहाँ पे है शाही जीरा, ये 1/2 स्पून है। और ये है हल्दी पाउडर, ये अप्रॉक्सीमेट 1 स्पून है। ठीक है, तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, ये रेसिपी के लिए कालिया जो है बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सरसों का तेल। ठीक है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है। यहाँ मैं फिश जो है इसको फ्राई कर लूँगी। एकदम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। तो चलिए फिश मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है, अब जो है हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो फिश को फ्राई करने के बाद जो तेल बचा था उसी में मैं यूज़ करूँगी। उसमें थोड़ा सा घी मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला, तेज पत्ता और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। थोड़ा इसका अरोमा आ जाए फिर एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं ऐड कर रही हूँ शाही जीरा। अब मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और अदरक का पेस्ट। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मसाला जो है इसको अच्छे से पकने देना है। ये प्याज और अदरक जो है ये थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें टमेटो जो पेस्ट है वो ऐड करूंगी। ये देखिए तेल जो है थोड़ा ऊपर आ रहा है, अब इसमें मैं टमेटो पेस्ट जो है ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी जो टमेटो है उसको पकने के लिए वेट करना है, तेल जब ऊपर आ जाएगा तब तक वेट करना है। टमेटो जो है ऑलमोस्ट कुक हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा पाउडर और चीनी। ये देखिए मसाला जो है ऑलमोस्ट कुक हुआ है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही और काजू का पेस्ट। फिर से मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक तेल ऊपर आ जाएगा तब तक वेट करना है। ये देखिए मसाला जो है साइड से तेल छोड़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, तो इस टाइम में इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश। मसाला एकदम अच्छे से कुक हो गया है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर। अब ग्रेवी जो है इसमें थोड़ा उबाल आ जाए फिर मैं मछली ऐड कर दूंगी। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ रहा है, तो अब मैं मछली एक एक करके ऐड कर दूंगी। ये देखिए पानी जो है थोड़ा सूख गया है और ग्रेवी जो है थोड़ा गाढ़ा हो गया है,
ग्रेवी एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है, हमारा कलिया जो है ऑलमोस्ट रेडी है। और एक से दो मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए हमारा कलिया जो है वो डन है, तो अब मैं इसको निकाल लूंगी प्लेट में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर लिया है, ये बहुत ही अच्छा लगता है राइस के साथ, आप ज़रूर इसको राइस के साथ सर्व करिएगा। एकदम शादी में जैसे बनाते हैं कलिया, वैसे ही कलिया बनता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।